हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रफुल्ल और आज मैं कवर कर रहा हूं हमारे इंडियन प्रीमियर लीग के सेकंड मैच को। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, दोनों टीम्स खेलेंगी प्रबन स्टेडियम में। भाई यहां पर जो अभी तक का समीकरण दोस्तों दोनों टीम्स का रहा है, आखिर क्या स्ट्रेंथ्स हैं क्या वीकनेसेस हैं, हमने ऑलरेडी कवर करी हुई है अपने स्वॉट एनालिसिस में। दोनों का लिंक हमने आई बटन में दे रखा है, तो दोस्तों आप वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो होगा सिंपल प्री मैच एनालिसिस। दोस्तों दोनों टीम्स को सामने रखकर देखेंगे कि क्या हो सकती है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर्स शानदार परफॉर्म कर सकते हैं, की प्लेयर्स बन सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में, और देखा जाएगा कि किस तरह से पिच बर्ताव करती है, यानी कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना जो है वो ये कि IPL बोनेंजा शुरू हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और जवाब पूरा जरूर दीजिएगा। एक बार में सभी क्वेश्चन के जवाब आपके एक ही कमेंट में होने चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबके जवाब आप एक साथ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हेड टू हेड कंपेरिजन के साथ। भाई दिल्ली और मुंबई का अभी तक का जो समीकरण दोस्तों रहा है कि आखिर कौन सी टीम ज्यादा जीती है, तो यहां पर साफ नजर आता है मुंबई इंडियंस ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। 30 मैचेस टोटल हुए हैं, जिनमें से 14 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहे हैं और 16 मैचेस में मुंबई इंडियंस की जीत दर्ज हुई है। तो ऐसे में हाल फिलहाल तो मुंबई इंडियंस आगे नजर आ रही है। ये जो डिफरेंस है वो अभी भी, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 को जब हम देखेंगे, तो नजर आ रहा है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतती दिखाई दे सकती है शायद। बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट पर और नजर डालते हैं कि आखिर प्रबन स्टेडियम में अभी तक कैसा माहौल रहा है। भाई टोटल 4 मैचेस यहां पर खेले जा चुके हैं, T20 की बात कर रहा हूं मैं, जहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 1 बार जीती है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का 201 रन 4 विकेट पर, और लोएस्ट स्कोर रहा है मुंबई इंडियंस का 173 रन 8 विकेट पर। एवरेज स्कोर अगर हम निकालें तो वो रहता है समवेयर अराउंड फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 190 रन। और स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो स्कोर बिटवीन 170 से 189 2 बार बनाया गया है, स्कोर अबव 190 भी 2 बार बनाया जा चुका है, यानी कि हाई स्कोरिंग ट्रैक है ये और बॉलर्स के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आज के इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, और यही आपका सबसे पहला सवाल है IPL बोनेंजा का कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है। जीतने के लिए यहाँ पर दोस्तों मेन इंपॉर्टेंस रहेगी कि इकोनॉमी किसकी ज्यादा अच्छी होती है, तो अपना जवाब जरूर दें, पहला क्वेश्चन ये था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर, नजर डालते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पर और देखते हैं आखिर दिल्ली के खेमे में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना करने वाले हैं, और कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की नजर आती है कि ये सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेलते नजर आ सकते हैं। अब वो क्या है? टिम साइफर्ट और रोमन पॉवेल। अब ये 2 ही क्यों? भाई डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज चल रही है उसमें व्यस्त हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज चल रही है, तो ऐसे में जो लुंगी एनगिडी हैं वो नहीं है अवेलेबल। एनिश नौरखिया की बात करें तो वो इंजर्ड है और उस वजह से शायद 7 अप्रैल के बाद से वो खेलना शुरू करें, और रही बात मुस्तफिजुर रहमान की तो वो भी अवेलेबल नहीं होगी। तो ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स टोटली डिपेंड करती है 2 ओवरसीज प्लेयर्स और सभी इंडियन प्लेयर्स पर। पृथ्वी शॉ, टिम साइफर्ट, केएस भरत, ये हमें टॉप ऑर्डर में नजर आएंगे। भाई ऋषभ पंत भी मौजूद हैं और सरफराज खान है, रोमन पॉवेल, यहां तक दोस्तों बैटिंग लाइनअप डिसेंट नजर आता है। अगर हम देखें ललित यादव की बात करें तो ठीक ठाक बल्लेबाज हैं लेकिन डिपेंडेबल नहीं नजर आते हैं, और ऐसे में दोस्तों मनप्रीत सिंह को मौका दिया जा सकता है प्लेइंग 11 में, ये एक छोटा सा चेंज हो सकता है। बॉलर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, कमलेश नागरकोटी या फिर चेतन साकरिया, ये हो सकती है अपकमिंग प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की। की प्लेयर्स की जहां तक बात है तो भाई टॉप ऑर्डर में डेफिनेटली दोस्तों सबसे पहले तो हमें पृथ्वी शॉ नजर आते हैं। भाई कमाल के बल्लेबाज है, तेजी से रन स्कोर करने की जो इनकी रणनीति है ये पावर प्ले में काफी कारगर साबित हो सकती है, और जिस तरह से ये पिछले सीजन में शिखर धवन के साथ ताल से ताल मिलाते हुए चल रहे थे, भाई इस बार
उम्मीद हो कि जल्द से जल्द डेविड वार्नर आए, जो इन दोनों की जो जोड़ी देखने को मिलेगी भाई उसका इंतजार सभी को होगा, आई गेस भाई आप लोगों को भी होगा। दोस्तों टिम साइफर्ट की बात करी जाए तो आईपीएल का एक ही मैच खेला है, लेकिन टी20 इंटरनेशनल की बात करी जाए तो 40 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 753 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129। तो इनसे उम्मीद होगी कि भाई टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करें अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। रही बात केएस भरत की तो 8 मैचेस में 191 रन इन्होंने बनाए हैं, 122 का स्ट्राइक रेट रहता है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक दो इनिंग्स खेली थी पिछले सीजन में वो नोटेबल रही हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने शायद इसीलिए इन्हें लिया है अपनी टीम में, और डेफिनेटली अब टीम ने इन पर भरोसा किया है तो ये भी टीम को निराश नहीं करना चाहेंगे। ऋषभ पंत डेफिनेटली भाई मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं भाई, एक जो ठहराव है ये वो प्रोवाइड करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को। 84 मैचेस खेले हैं, समवेयर अराउंड 2498 रन बनाए हैं, 147 का स्ट्राइक रेट रहता है, तो डिपेंडेबल बल्लेबाज है, कप्तान है भाई टीम के, तो डेफिनेटली इनसे उम्मीद होगी। गेंदबाजी की बात करें एंड एज एन ऑलराउंडर बात करें तो दोस्तों दो प्लेयर और की प्लेयर्स की लिस्ट में आ सकते हैं, वो है अक्षर पटेल, 109 मैचेस में 95 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, 7.22 की इकॉनमी है, और बल्ले से भी भाई ये कभी कभार हवाई फायर करते ही हैं दोस्तों, तो इनको रखना डेफिनेटली अपनी नजरों में जरूरी है। शार्दुल ठाकुर की बात करी जाए तो दोस्तों स्टैट्स के मामले में कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आते हैं, 61 मैचेस में 67 विकेट्स लिए हैं, 8.89 की इकोनॉमी के साथ, स्टैट्स उतने तो अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, बट स्टिल जिस तरह से इनका लॉर्ड शार्दुल ठाकुर नाम पड़ा है और हाल फिलहाल फॉर्म में चल रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारी की प्लेयर्स की लिस्ट में होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो है हाल फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स का लेखा जोखा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की ओर और नजर डालते हैं सबसे पहले इनकी प्लेइंग 11 पर। भाई यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक कह लें सूर्य कुमार यादव के नाम पे कि भाई वो तो स्टार्टिंग में अभी कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे, तो प्लेइंग 11 में थोड़ी सी चेंजेस होंगे। अनमोल प्रीत सिंह हमें लगता है कि प्लेइंग 11 में आ सकते हैं और रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं दोस्तों। इनके अलावा अगर हम देखें तो डिवॉल्ड ब्रेवेस ऐसे कैसे बल्लेबाज होंगे जिन्हें मौका मिलेगा मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में, और साथ ही अगर मिडिल ऑर्डर देखें तो नो डाउट अपने स्वॉट एनालिसिस में हमें लगा है कि भाई मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर था वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अगर हम ऑन पेपर देखें तो कारेन पोलार्ड, टिम डेविड ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि टी20 स्पेशलिस्ट हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर हैं, तो ऐसे में प्लेइंग 11 सॉर्टेड नजर आती है यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ी सी छोटी हो गई है, डेप्थ थोड़ी कम हुई है प्लेइंग 11 में, क्योंकि मुर्गन अश्विन, मयंक मारकंडे शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, बॉलिंग अटैक आ जाता है, तिलक वर्मा है, जसप्रीत बुमराह और टमील माइल्स हैं दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे गेंदबाज ही गेंदबाज हैं जिनकी वजह से डेप्थ में थोड़ी कमी आती है मुंबई इंडियंस के। हालांकि अब चलिए बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे हिटमैन रोहित शर्मा आएंगे यहाँ पर, 213 मैचेस में 5600 के आसपास रन स्कोर कर रहे हैं इन्होंने और स्ट्राइक रेट 130 का रहता है। ईशान किशन ने 61 मैचेस में 1400 के आसपास रन स्कोर करे हैं 136 के स्ट्राइक रेट से, तो दोस्तों ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है और रन स्कोर करेंगे अपने पहले मुकाबले में। अब इनके अलावा अगर हम देखें तो टिम डेविड अभी तक आईपीएल का तो एक ही मैच खेला है इन्होंने, लेकिन 11 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसके रिकॉर्ड्स हैं 429 रन करे हैं इन्होंने 157 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि बहुत बड़ी पारियां तो नहीं दिख रही हैं लेकिन छोटी छोटी अहम भूमिका निभाते दिखे हैं टिम डेविड। कायरन पोलार्ड भाई जिस तरीके से ये संकट मोचन का काम करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए कई बार किया है और उम्मीद होगी कि इस बार फिर कायरन पोलार्ड का जो भाई रौद्र रूप है वो हमें देखने को मिले, मजा आएगा, छक्के चौके पड़ेंगे। तो 178 मैचेस में इन्होंने 3200 रन बनाए हैं और 65 विकेट्स भी निकाले हैं, तो एज एन ऑलराउंडर ही इज गुड। फिर आते हैं भाई हमारे बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह भाई 106 मैचेस में 130 विकेट ले चुके हैं, 7.42 की इकॉनमी है, मुंबई इंडियंस के लिए ये तुरुप का इक्का है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर मुझे भरोसा है। हालांकि तमिल माइल्स मौजूद हैं और उनसे उम्मीद होगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जो सामने दिखता है वही बिकता है और हाल फिलहाल जसप्रीत बुमराह ही दिखते हैं। तो दोस्तों ये है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स। जहां पर अगर हम अब बात करें दोस्तों हमारे आईपीएल बोनांजा के क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोस्तों रोहित शर्मा कितने रन स्कोर करेंगे। अब यहां पर आपको फॉर एग्जांपल बताना है कि 35 से 40 के बीच में करेंगे या 40 से 45, 5-5 रन का जो डिफरेंस है वो लेकर चलना है कि 35 से 40 के बीच में, 40 से 45 के बीच में, या 10 से 15 के बीच में करके आउट हो जाएंगे।
आपको बताना है कितने से कितने रन बनाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये कि दोस्तों इस मैच में सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स किस प्लेयर के होंगे, जवाब दीजिएगा इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। इन सभी सवालों के जवाब एक साथ देने हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और अगर आप सही होते हैं तो प्राइज आपका होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं एक अगले एनालिसिस के साथ। तो उसके लिए वेट जरूर करिए, जल्द हाजिर होंगे एक और एनालिसिस को लेकर थर्ड मैच के साथ। तो स्टे ट्यून विद अस, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, तभी आप प्राइस के थोड़ा और करीब रहते रहेंगे, ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें, जिसके थ्रू हम आपको, अगर आप विनर होते हैं तो जिस इंस्टाग्राम एक ऐसा प्रोसेस होगा जहां से हम आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो वहां भी आप फॉलो कर लें और इंस्टेंट अपडेट तो आपको वहां पे भी मिलती रहती है। तो अभी के लिए भाई दुकान बंद करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन।